ये आपके एग्ज़ाम में बहुत आने की प्रोबेबिलिटी है। आपको ईएम का स्पेक्ट्रम पता लग चुका है, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, लाइट, अल्ट्रा, एक्स और गामा। सीक्वेंस याद करना है, ऐसे सीक्वेंस मत चेंज करना, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, इसमें से पेपर आएगा। तो ये सीक्वेंस है। फिर उसके बाद इसकी वेवलेंथ की रेंज याद करनी है कि इसकी वेवलेंथ 0.1 मीटर से ऊपर बहुत बड़ी वेवलेंथ है। माइक्रोवेव की रेंज है इंफ्रा की, लाइट की, अल्ट्रा की, एक्स की, और सबसे छोटी किसकी है? गामा की। तो आप एक चीज़ नोट करेंगे, डिक्रीजिंग वेवलेंथ में बनाया गया है, और अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, ठीक है? तो आपने वेवलेंथ की रेंज याद करनी है, कौन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पैटर्न में है, और फ्रीक्वेंसी को भी का पैटर्न याद रखना है कि डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी कैसे है। क्लियर है? तो पहला पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। आपको क्वेश्चन आएगा, कोई भी तीन वेव दे देगा आपको, लाइट, एक्सरे, गामा, माइक्रो, कुछ भी चार दे देगा, और कहेगा अरेंज करो इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग वेवलेंथ या इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, कुछ भी। तो जब तक आपको इस सीक्वेंस नहीं याद होगा, आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी कुछ ना कर पाओगे। तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ठीक है यहाँ तक? तो जब आप तक ये सीक्वेंस याद नहीं होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप कुछ नहीं कर पाओगे। पहला पॉइंट क्लियर है, ठीक। दूसरा, प्रोडक्शन कैसे पैदा होती है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, एक आसान लैंग्वेज में बता दिया कि रेडियो वेव एलसी ऑसिलेशन से, माइक्रो एलसी में इंफ्रारेड रेज जो है वो कोई भी गर्म बॉडी है, लाइट जो है अटोमिक ओरिजन है, अल्ट्रा वायलेट का अटोमिक आर्क्स हैं मरकरी के, एक्स रेज जो है वो इनर इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइटेशन है, अटोमिक एक्साइटेशन है, गामा रेज जो है वो न्यूक्लियर ओरिजन है। लेकिन आपके एनसीईआरटी ऐसा नहीं लिखती, वो अलग अलग सोर्स बताती है। जो तो नहीं, यही सोर्स है, और भी सोर्स हैं, सुन लो फिर एनसीईआरटी के हिसाब से। पहली, रेडियो वेव। रेडियो वेव जनरेट होती है रैपिड एक्सलरेशन एंड डी एक्सलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एरियल्स। एरियल का मतलब होता है एंटीना। किसी भी रेडियो के ऊपर जो एंटीना लगा होता है, उसके दो काम है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ईएम वेव में कन्वर्ट करना और ईएम वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वापस कन्वर्ट करना। तो एरियल एंटीना क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सलरेट करवाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सलरेट करवाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब एक्सलरेट होते हैं तो रेडियो वेव कैन बी जनरेटेड। पहला पॉइंट है। माइक्रोवेव्स, अगर तो सब्जेक्टिव आ जाए, माइक्रोवेव कैसे पैदा होती हैं, फिर तो एलसी ऑसिलेशन सफिशिएंट है। एनसीईआरटी वाले लिखते हैं क्लिस्ट्रॉन वेल्व या मैग्नेट्रॉन वेल्व। अब इन मशीनों को कौन स्टडी करेगा? लिख तो दिया, एक्सप्लेन किया ही नहीं उन्होंने। गूगल पे मैंने सर्च किया है तो पता नहीं कौन कौन सी मशीनें खोल के बैठ गया। तो नाम ही याद कर लो, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, ऑब्जेक्टिव वाई मार्क कर देना। नेक्स्ट है इंफ्रा, वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। चलो ये तो फिर भी मैनेजेबल है। लाइट, लाइट ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन एटम गेट्स एमिट लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, सही है, हायर टू लोअर। अल्ट्रा वायलेट, इनर शेल इलेक्ट्रॉन इन एटम मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू लोअर, चलो ये भी ठीक है, इनर शेल के एक्साइटेशन ओके। एक्सरेज, एक्सरेज में इनर शेल के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन बताया था, और ये काम करने के लिए एक मशीन बनी हुई है जिसका नाम है एक्सरे ट्यूब, भी ये काम करती है। नेक्स्ट है गामा रेस, रेडियो एक्टिविटी से पैदा होती है गामा रेस, ठीक। और लास्ट है डिटेक्शन, तुम्हें कैसे पता लगा कि ये वेव पैदा हुई हैं? तो डिटेक्शन, डिटेक्शन पे मैंने क्वेश्चन आता देखा नहीं, पर एनसीईआरटी में गिवन है तो एक बार पढ़ ही देता हूँ। तो रेडियो वेव की डिटेक्शन कैसी होती है, रिसीवर एरियल, आपको रिसीवर पे एंटीना लगाना होता है, और अगर आपने गाना सुन लिया, मतलब ईएम वेव है, उस पर बात खत्म, तो सिग्नल कैच कर गया, ईएम वेव है। नेक्स्ट है माइक्रोवेव, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड्स। अब बताओ, डायोड तो सिलेबस में किया ही नहीं अभी हमने, ये तो अभी एंड में आएगा, वो भी पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड्स क्या है, ये तो लंबी स्टोरी हो गई, मुझे मालूम नहीं क्या एग्जैक्टली। इंफ्रा रेड रेस, थर्मोपाइल्स, अब सिलेबस में नहीं रहा थर्मोपाइल्स,
बोलोमीटर मालूम नहीं है, इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म को अफेक्ट करती है, समझ में आती है बात। लाइट जो है आंख, हाँ मेरी आंख पे डिटेक्ट कर सकती है, आई ये भी सही है। फोटो सेल डिटेक्ट कर सकते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती है। अल्ट्रा वायलेट फोटो सेल फोटोग्राफिक फिल्म करती है, एक्सरेज फोटोग्राफिक फिल्म को करती है, गीगर ट्यूब भी करती है, शायद केमिस्ट्री के अंदर भी आएगी गीगर ट्यूब, फिजिक्स में तो आएंगी आएंगी, और आयनाइजेशन चैम्बर, तो ये इनकी डिटेक्शन है। क्वेश्चन आया नहीं पर एक बार रीडिंग मार के चले जाना, अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए एटलीस्ट पता होना चाहिए। इस टेबल में से इनके ऊपर वेवलेंथ वेवलेंथ के ऊपर तो आते हैं क्वेश्चन, जब ये याद करोगे तो ये भी याद कर लेना, एनसीईआरटी ये भी कहती है याद करने को। कैसे? गामा एक्स अल्ट्रा विजिबल इंफ्रा माइक्रो, यहां तक तो कर लिया, इसके बाद और भी स्पेक्ट्रम का पार्ट, शॉर्ट रेडियो टेलीविजन एफएम रेडियो एएम रेडियो और लॉन्ग रेडियो वेव्स, ये भी करना आते आ रहे हैं पेपर में, ये पेपर में आते हैं। और सीक्वेंस याद करना इनका, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू घटती जा रही है, वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो वेवलेंथ बढ़ रही है फ्रीक्वेंसी घट रही है। इन में से एक स्पेक्ट्रम ऐसा है जो दिखाई देता है विजिबल, विजिबल में विबग्योर का पैटर्न दिखता है, विबग्योर की वेवलेंथ याद करना, ये भी पेपर में आता है। अरेंज करो शॉर्ट रेडियो को टेलीविजन को एफएम को एफएम रेडियो को इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, पता होना चाहिए, फंस जाओगे नहीं तो याद कर लेना।